मेरा नाम है व्यास करते हुए, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो आप होम वर्कआउट के रिलेटेड मैं बनाता रहूंगा और आप देख सके इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा होम वर्कआउट एंड जिम वर्कआउट, कौन सा बेहतर है हमारे लिए। तो चलिए एक फिटनेस फिटनेस से बात करें कि फिटनेस की लाइन से हम बात करें तो जिम वर्कआउट बेहतर है। क्यों? क्योंकि जिम में क्या होता है कि हम हमारी बॉडी को अलग अलग मसल को हीट कर पाते हैं और अलग अलग वेरिएशन भी दे पाते हैं जो होम वर्कआउट में नहीं हो पाता। क्योंकि होम वर्कआउट में बेसिकली हम करेंगे क्या, होम वर्कआउट में बेसिकली हम करेंगे पुशअप लगाएंगे या पुलअप लगाएंगे, स्क्वाट लगाएंगे, बेसिकली ये तीन चार चीज़ें ही हम करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग होम वर्कआउट करते थे यही तीन चार चीज़ें टुकड़म करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, होम वर्कआउट जो लोग कर रहे हैं आपको एक बेसिकली एक नीट आपको डंबल को मंगाने पड़ेंगे या आपके पास रजिस्टर बैंड, तीन चार ऐसी मशीन होती है जो आप होम वर्कआउट के लिए मंगा सकते हैं और आप जिम के जैसा अच्छा वर्कआउट आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको बेसिकली जो देखिए तो होम वर्कआउट का थोड़ा सा बात करता हूँ, क्योंकि मैं होम वर्कआउट करता हूँ और ये आपको बॉडी दिख रही है वीडियो में भी, जो बॉडी दिख रही है वो बेसिकली मैं होम वर्कआउट ही करता हूँ। नेचुरल बॉडी है मेरी, नेचुरल फिटनेस की तरह ही नेचुरल बॉडी है मेरी। तो बेसिकली जब मैं होम वर्कआउट करता हूँ तो होम वर्कआउट के बारे में ज़्यादा आपको जानकारी देता हूँ। तो क्या होता है, होम वर्कआउट आप करेंगे तो आपको आप जिम स्किप नहीं करेंगे। सर क्या होता है कि छुट्टियों के दिन जिम बंद होते हैं, कुछ ऐसी छुट्टियाँ होती है जिसमें आपको जिम नहीं जा पाते, तो क्या होता है उस दिन आप जो भी मसल को हिट करने वाले होते उस मसल को आप हिट नहीं कर पाते। पर घर पे क्या, घर पे तो आप कोई छुट्टी नहीं रख पाएंगे ना, अब वो घर पे है तो आप घर पे वर्कआउट करेंगे ही करेंगे। और आपको क्या कि आपका टाइम मिस हो गया, आप घर पे वर्कआउट करने का एक बेसिकली टाइम होता है आपका 4 से 5 बजे ना, वो आप 4 से 5 बजे वर्कआउट नहीं कर पाए तो भी आपके पास टाइम होगा कि आप घर पे जब भी आए 7, 8, 9 बजे जब भी आए तब आप वर्कआउट कर सकते। एक बेनिफिट होता है आप घर पे वर्कआउट करते उसका, और दूसरा आप घर पे बॉडी बना सकते हैं, बहुत अच्छी बॉडी बन सकती है, मैंने भी अच्छी बनाई है। तो उसमें क्या होता है कि हम जब भी घर पे वर्कआउट करने की बात आती है तब लोग जानते हैं कि नहीं घर पे बॉडी नहीं बनती, क्योंकि घर पे आप पुशअप लगा के या डंबल उचक के आप बॉडी नहीं बना पाते। सबके माइंड में कीड़ा होता है कि नहीं जिम में जाना जरूरी है। हाँ जाइए, जरूरी भी है जिम में जाना, पर उनके लिए जो अफोर्ड कर पाते जिम में जाना, क्योंकि जिम की फीस बहुत ज़्यादा होती है और आप कुछ लोग जिम की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, इसीलिए आप होम वर्कआउट भी आप कर सकते। ऐसा नहीं कि आपको जिम में गए तभी आपकी बॉडी बहुत अच्छी बनेगी, नहीं ऐसा होता नहीं। मैं कितने भी उदाहरण आपके सामने रख सकता हूँ जिन्होंने घर पे ही बॉडी अच्छी बनाई हुई है। मेरे कितने भी अच्छे दोस्त है जो लोग घर पे वर्कआउट करते हैं और बहुत अच्छी बॉडी बना के रखी है, ऐसा नहीं है वो लोग जिम में जा रहे हैं। मैंने भी खुद मैं होम ही वर्कआउट कर रहा हूँ 2 साल से कर रहा हूँ पर अच्छी बॉडी बनाई है, इसलिए आपको जिम में जाना जरूरी है। आप जिम में जा सकते हैं जब आपके पास पैसे इतने हो तो आप जिम की फीस दे सके, इसलिए आप जिम में जा सकते हैं। आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, वो वर्कआउट आप कर सकते हैं। मैं तो ऐसा मेरा मानना है कि आप जिम या होम में परेशान मत होइए। आप जब भी आपको अंदर से लगे कि नहीं यार मैं जिम में नहीं जाऊँगा तो तब मेरी बॉडी नहीं बनेगी, तब वो अफोर्ड कर सके पैसे तो आप जिम में वर्कआउट कीजिए। और होम वर्कआउट तो आपके लिए बेहतर ही है। और क्या है कि होम वर्कआउट करेंगे तो आपको बेनिफिट इतना नहीं मिलेगा क्योंकि आप डाइट अच्छी नहीं रखेंगे। आपके माइंड में होता है कि नहीं रोटी सब्जी इस तरीके से चीज़ें खाएंगे तो आपकी बॉडी बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी बॉडी को प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स ऐसी चीज़ें भी आपको देनी पड़ती है, तब आपकी बॉडी अच्छी ग्रोथ करती है। आप जो भी आप होम वर्कआउट कर रहे हैं होम वर्कआउट के लिए भी यही फंडा है, और जो लोग जिम में भी वर्कआउट करते हैं उनके लिए भी यही फंडा है। आप होम वर्कआउट आपने किया हुआ और आपने समझा कि नहीं अब मैं जो मेरा चावल होता है, रोटी होती है, सब्जी होती है, इससे खा लूंगा तो मेरी बॉडी बन जाएगी या दूध पी लूंगा तो बॉडी बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको एक ब्रेकफास्ट में एक आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट होनी चाहिए, ये आप सबको मालूम होना चाहिए कि डाइट भी कैसे रखें। आपको घर पर भी बॉडी बनानी तो डाइट भी आपको अच्छी रखनी है, जिम में भी बॉडी बनानी है तो आप डाइट अच्छी रखिए तो आप बॉडी बना सकते हैं। तो बेसिकली मैं बताना चाहूँ तो बहुत सारा बता सकता हूँ पर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैंने जितनी भी चीज़ें बताई आपके लिए यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप जिम भी वर्कआउट कर सकते हैं उनके लिए भी बेहतर है, और होम वर्कआउट जो लोग कर रहे हैं वो भी बॉडी बना सकते हैं। आपको माइंड में ऐसे नहीं लेके के बैठना है कि नहीं यार मैं जिम में जाऊँगा तभी बॉडी बनेगी, आप घर पर बॉडी बना सकते हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, तो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।